गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग. मागच्या वेळेला आपण बघत होतो वाक्यांचे प्रकार. वाक्यांचे प्रकार आपको याद होंगे. हम लोग देख रहे थे टाइप ऑफ सेंटेंस. ओके, टाइप ऑफ सेंटेंस देख रहे थे ज्याच्यामध्ये आपण माझ्या मते विधानार्थीचं उद्गारार्थी करा, उद्गारार्थीचं विधानार्थी करा. या तक हुआ था मैं एक मिनिट. ओके, यहाँ पे ये देखिए, मैं यहाँ पे आता हूँ. सर वाडिया स्कूल में है. अरे बाबा विभक्ति भी सिखाऊंगा, दूर बड़ी है. अमान लास्ट टाइम भी तूने वही बोला था यार, ये तो खत्म होने थे. ये खत्म होने के बाद फिर मैं वो भी पढ़ाऊंगा. फ्रॉम डीएन नगर अमन, यहाँ तक हुआ था. ओके, और मैंने आपको विधानार्थी का प्रश्नार्थी बनाइए, प्रश्नार्थी का विधानार्थी बनाइए, इसके रूल्स मैंने आपको लिख के दिए थे, याद है आपको? ये रूल्स मैंने दिए थे, ये सबने लिखे थे. यस और नो, यस और नो. ओके चलो, अभी हम लोग अभी देखते हैं विधानार्थी का प्रश्नार्थी कीजिए. ये रूल है अपने सामने, हमें विधानार्थी का प्रश्नार्थी करना है. पेन पेंसिल जो भी आपको चाहिए नोटबुक सामने रखना. मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं. अच्छा, पहला सेंटेंस समझ के चलना, उसके बाद लिखने जाना. कोई जरूरत नहीं है लिखने की, पहला समझ के चलना. ओके, अतः बताओ वाक्य क्या आहे और जो प्रश्न में जैसा प्रश्न पूछ रहा हूं वैसे ही आपको आंसर देने हैं. ओके, विमान प्रवास सगळ्यांना आवडतो. अभी ये सेंटेंस है. ओके, अभी ये पहला कर लेना, ये नया टॉपिक है. तो लास्ट का और इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये नया है तो आ जाएगा. ओके, अभी देखिए विमान प्रवास को, ये आंसर आया कैसे वो हम लोगों को देखना है. कार्तिक भोसले नमस्कार बाबा. विमान, एक मिनट. विमान प्रवास को ना आता माला संग वाक्य, ये हुआ था, मैंने पढ़ाया था. ये पढ़ा के हुआ था क्या? ये पढ़ा के हुआ था या नहीं हुआ था? ओके, नहीं हुआ था. ये सेंटेंस हुआ था पढ़ा के? अरे आधा जन नो बोल रहा है, आधा जन यस बोल रहा है. ओके चलो, मैं शॉर्टकट में समझा देता हूं, मैं शॉर्टकट में समझा देता हूं. नो इश्यू. विमान प्रवास सर्वांना आवडतो. अच्छा मला सांगा, हे वाक्य विधानार्थी आहे का प्रश्नार्थी? हे वाक्य विधानार्थी का प्रश्नार्थी? विधानार्थी. मला सांगा मग, विधानार्थीचा प्रश्नार्थी करताना कसं? अच्छा, वाक्य पॉझिटिव्ह आहे का निगेटिव्ह? अच्छा ठीक आहे, मी एक समजा देतो तर आगे चला जातो, रिवाइज कर लेंगे. पॉझिटिव्ह, तो देखो मैंने विधानार्थी का प्रश्नार्थी करने के लिए मैंने फुल स्टॉप निकाल दिया और क्वेश्चन मार्क लिख दिया. अभी पॉजिटिव को निगेटिव करना है. पॉजिटिव को निगेटिव कैसा करेंगे? जब मैं उसका क्रियापद है, उस क्रियापद को चेंज कर दूंगा. क्रियापद क्या है? आवर्तो. क्रियापद क्या है? आवर्तो. तो आवर्त का नकारार्थी कैसा आएगा? आवड़त नहीं. तो क्रियापद कैसा आएगा? आवड़त नहीं. अभी यहाँ पे देखो हो गया आवड़त. विमान प्रवास सगळ्यांना आवडतो, इसमें विमान प्रवास सगळ्यांना, सगळ्यांना में कोई चेंज है क्या? सगळ्यांना के बजाय क्या लिखना है? कोणाला. फ्रॉम विक्रोली से आर्या शेट्टी, काइंड रिक्वेस्ट, आप मुझे रिक्वेस्ट मत भेजिए रिमोट कंट्रोल के लिए प्लीज. फ्रॉम विक्रोली आर्या शेट्टी. ओके, अभी देखो कोणाला, विमान प्रवास कोणाला आवडत नहीं, ये ऐसा है. ओके देखो, जो भी सेंटेंस दिए है वहां पे उन्हें हमें चेंज करना है. हर्षित पटेल, यार समझ में आया मेरे दोस्त हर्षित पटेल, समझ में आया? तू वो लेक्चर का, ये लेक्चर से कोई रिलेशन नहीं है, तो अभी इस पे कॉन्सेंट्रेट कर, वो मैं पढ़ाऊंगा तुझे. ओके, तो डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस लेक्चर ओनली नाउ. ओके प्लीज, थैंक यू. ये समझा? नेक्स्ट, अभी देखो नदीचे पानी जोरात वाहत होते. ओके, अभी ये वाक्य विधानार्थी है,
इसका प्रश्नार्थी बनाना है तो सबसे पहले पुरुषार्थ निकाल के क्वेश्चन मार्क आएगा, क्रियापद देखने का, क्रियापद पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव करने का, क्रियापद है होते तो क्रियापद आएगा नौते, और नदी से पानी जोराने वाद, इसमें से कोई है क्या जिसको हमें चेंज करना है? कोई शब्द नहीं। अभी कसे नहीं आएगा, कसे है क्या? नदी से पानी जोरात वाहत नौते, बरोबर। अभी इसमें WH वाला कोई भी शब्द था नहीं, कौन कुटे काय कोनाला, तो उसके बदले में हम लोगों ने का इस्तेमाल किया है, जो लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था अगर कोई भी WH वाला शब्द नहीं है तो का इस्तेमाल करने का। अगर WH वाला आएगा तो राइट हैंड साइड में आपको जो दिखाई दे रहा है कौन काय कोनाला, उसमें से आपको लिखना पड़ेगा। आपको समझा मैंने क्या कहा? ओके, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अभ्यास केला तर सर्वांना चांगले गुण मिळतील। अभी विधानार्थी है तो फुल स्टॉप निकाल के क्वेश्चन मार्क देना है, ये पहला चेक। फिर क्रियापद को पॉजिटिव है तो नेगेटिव करने का, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अभी अपना क्रियापद नेगेटिव है या पॉजिटिव? पॉजिटिव। ओके, तो मिळतील, मिळतील का नेगेटिव क्या आएगा? मिळणार नाही, मिळतील के नेगेटिव मिळणार नाही। और सर्वांना, ही शब्दों को अपने को चेंज करना है, सर्वांना के बजाय क्या आएगा? कोणाला, मतलब अपना आंसर कैसा आएगा? अभ्यास केला तर कोणाला चांगले गुण मिळणार नाही, और फुल स्टॉप। ये समझा? पक्का? कोई डाउट? स्टेप बाय स्टेप जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, नेक्स्ट मस्त है। वाघ समोर आला तर सगळेच घाबरतील। वाक्य पॉजिटिव है या नेगेटिव? सबसे पहला विधानार्थी है, उसका प्रश्नार्थी बनाना है, तो प्रश्नार्थी बनाते वक्त फुल स्टॉप निकाल देने का, क्वेश्चन मार्क डालने का। वाक्य पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव बनाने का। घाबरतील, आप ना यार लिखने के चक्कर में मत पढ़ना, आप समझ के लो दोस्तों, समझ के लो प्लीज प्लीज। ओके, घाबरतील, घाबरतील के बजाय घाबरणार नाही, घाबरणार नाही। ओके, अभी सगळे, अभी देखो लेफ्ट हैंड साइड में विधानार्थी वाक्य है, तो विधानार्थी वाक्य में लेफ्ट हैंड साइड में है क्या? आयुष गोयल प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी फ्रॉम चेंबूर, चेंबूर। अभी यहाँ पे देखो सगळे है क्या, सगळे है क्या, सगळे है क्या, नहीं है। लेकिन आप एक देखना, कोणी ही, कोई भी यानी सब कुछ, कोही कोणी ही म्हणजे सगळेच जण, कोणी ही म्हणजे सगळेच जण। मग तो चेंज करायचं, मग आपलं उत्तर कसं येणार? वाघ समोर आला तर कोण घाबरणार नाही, कोण को, कोणी ही, कोणी ही यानी कोण, समझा। अभी यहाँ पे देखो हम लोगों ने का इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ पे हम लोगों ने का इस्तेमाल नहीं किया, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कोण हा शब्द WH वाला शब्द तिथे आलेला आहे, ऑलरेडी तिथे WH वाला शब्द आलेला आहे, त्यामुळे आपण कोण वापरलं नाही, येते का लक्षात? आपण कोण हा शब्द वापर, ये समजा, ये समजा सबको, किसी को कोई डाउट? यहां तक जाऊ आगे? ओके, नेक्स्ट। एवढ्या वेळात तो पळून गेला असता, बघा एवढ्या वेळात तो पळून गेला असता। वाक्य विधानार्थी है, प्रश्नार्थी बनाना है, फुल स्टॉप निकाल के क्वेश्चन मार्क देने का। असता, गेला असता पॉजिटिव है तो निगेटिव, गेला असता, गेला नसता। एवढ्या वेळात तो पळून, इसमें से कोई शब्द चेंज करना है क्या? लेफ्ट हैंड में देखिए कोई ऐसा शब्द जो चेंज कर सकते हैं, अगर नहीं चेंज करना है तो नहीं करने का, अगर नहीं आया तो म्हणजे अपना आंसर कैसा आएगा? एवढ्या वेळात तो पळून गेला नसता। लेकिन अभी यहाँ पे WH वाला एक भी शब्द था नहीं, एवढ्या वेळात तो पळून गेला नसता, इसमें एक भी WH वाला है नहीं, इसलिए हम लोगों ने एंड में क्या लिखा? का लिख दिया। एंड में क्या लिखा? का लिख दिया। ये आया सबको? किसी को कोई डाउट? चलो चलो फटाफट बताए, अभी गया है मेरा। अभी देखो, अभी प्रश्नार्थी वाक्य आएगा, प्रश्नार्थी। अभी ध्रुव सर, हेलो हेलो हेलो,
विमान प्रवास कोणाला आवडत नाही? हॅलो हॅलो हॅलो, विमान प्रवास कोणाला आवडत नाही, वाक्य पॉझिटिव्ह प्रश्नार्थी या विधानार्थी है? स्टूडेंट दे रहा है संतो, मुझे एसएमएस अभी नहीं दिखाई देना, बंद हो गई यार, अभी दिखाई दे रहे थे। प्लीज 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 टाइप समथिंग फॉर मी। ओके अभी देखो, अभी ये वाक्य प्रश्नार्थी या विधानार्थी, ये वाक्य प्रश्नार्थी है या विधानार्थी? प्रश्नार्थी, तो अपने को इसका विधानार्थी बनाना है। तो विधानार्थी कैसा बनेगा? क्वेश्चन मार्क को निकाल देने का और फुल स्टॉप लेकर रखने का। अभी पॉजिटिव है सेंटेंस या नेगेटिव है? प्लीज 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 टेल मी, इज दिस सेंटेंस पॉजिटिव और नेगेटिव? दिस सेंटेंस इज नेगेटिव, आवडत नाही। तो व्हाट वी विल डू, वी विल चेंज वर्ब। कैसा चेंज करने का? क्रियापद है ना आवडत नहीं, उसको पॉजिटिव बनाने का, आवडतो, बरोबर है? अभी ये क्वेश्चन मार्क वाला नहीं आएगा, एक मिनट है, एक मिनट। ओके अभी देखो, विमान प्रवास कोणाला, अभी कोणाला के बजाय क्या लिखेंगे? कोणाला ही, सगळ्यांना, सर्वांना, यानी अपना एसएमएस क्या आएगा, अपना ये क्या आएगा, विमान प्रवास सर्वांना, सगळ्यांना, कोणालाही आवडतो, ये ऐसा सेंटेंस आएगा। ये समझा कि ये सेंटेंस समझा सबको, प्लीज प्लीज, ये आया, ये समझ में आया, किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट, अपमान केल्यास कोणाला राग येत नाही? ओके, अपमान केल्यास कोणाला राग येत नाही? दोस्तों आप मुझे एसएमएस करते रहोगे, मेरे स्क्रीन पे ना एसएमएस दिखाई नहीं दे रहे, पता नहीं कि मैं जब क्लिक करता आता हूँ तुरंत निकल जाता है, प्लीज तो आप ऐसा नहीं बोलना कि सर मैं एसएमएस कर रहा हूँ, सर रिप्लाई नहीं दे रहे। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अपन अपमान, कविता एक मिनट, नक्की ना बोले, अपमान केल्यास कोणाला राग येत नाही? अभी देखो ये प्रश्नार्थी वाक्य है, प्रश्नार्थी का हमें क्या बनाना है, विधानार्थी। तो विधानार्थी बनेगा कैसे, क्वेश्चन मार्क निकाल देने का और वहां पे फुल स्टॉप लिखने का। सर लिख दिया सर हम लोगों ने, ओके। वाक्य पॉजिटिव है या नेगेटिव? सर नेगेटिव है सर, एक नहीं मतलब नेगेटिव ना सर। आयुष गोयल प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, एक नहीं, एक नहीं सर, पॉजिटिव, ए तो अच्छा। अभी कौन सा चेंज करना है सर? कोणाला भी चेंज करना है, तो कोणाला के बजाय क्या लिखूं मैं? सर कोणाला ही लिख सकते हो आप, सर सगळ्यांना भी लिख सकते हो, और सर आप सर्वांना लिख सकते हो। ओके ठीक है, मैं लिख देता हूँ, आयुष गोयल प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, मेरे दोस्त, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके ग्रेट, सर्वांना, चलो नेक्स्ट, ये भी लिख सकते हो। काल रात्री ठंडी वाजत नव्हती का? अच्छा अपना सिस्टम क्या है, पहला फुल स्टॉप निकाल देने का, सॉरी क्वेश्चन मार्क निकाल देने का और फुल स्टॉप लिखने का। सर लिख दिया सर, ओके। वाजत नौती का, अभी अपने को विधानार्थी बनाना है, तो का अपने को जरूरत है नहीं सर, का भी निकाल दिया सर। डायनो में हो, का भी निकाल दिया सर, अभी क्या बना, काल रात्रि ठंडी वाजत नौती, नवती का पॉजिटिव होती, नवती का पॉजिटिव होती, मतलब काल रात्रि ठंडी वाजत होती, ऐसा आएगा, समझा? काल रात्रि ठंडी वाजत होती, परफेक्ट। नेक्स्ट, चलो अभी ये जो सेंटेंस है ना, ये थोड़ा आप बनाओ और मुझे टाइप करके एसएमएस करो फटाफट।
तो इसका आंसर बताओ, निराश होण्याचे काय कारण? काय के जगह पे क्या आएगा? चलो मैं उल्टा देता हूं, काय के जगह पे क्या आएगा? ओके, और एक क्वेश्चन मार्क आएगा, कौन है रे? मधु दलवी, मधु मधुरा, मधुरा दलवी, क्वेश्चन मार्क आएगा, मधुरा दलवी, दलवी जब फुल स्टॉप आएगा गया मैं। ओके, ये देखो, निराश होण्याचे काही ही कारण नाही, निराश होण्याचे काही कारण नाही, पर फुल स्टॉप, फुल स्टॉप बुकते, फुल स्टॉप नाही दिलं तर मार्क जाणार, 0 मार्क भेटणार, सगळ्यात हायेस्ट। नेक्स्ट, बाबा गावाला गेले नव्हते का? अभी क्वेश्चन मार्क जाएगा, का निकल जाएगा, फुल स्टॉप आएगा। अभी अपना सेंटेंस क्या बनेगा? बाबा गावाला गेले नव्हते, लेकिन मेरे को चेंज करना है, निगेटिव था उसको पॉजिटिव बनाना है, नव्हते च होते, बाबा गावाला गेले होते, परफेक्ट। ओके, नेक्स्ट वन, अभी ये छोड़ देना, ये जाने दो, ये बाद में देखते। अभी मैं जो आपको बोल रहा हूं ना दोस्तों, ये थोड़ा लिख के लेना। ओके, प्लीज प्लीज राइट डाउन दिस दिस रूल, प्लीज राइट डाउन विद इन 2 मिनट्स, आर डोंट वेस्ट टाइम। चलो लिखा फटाफट, 2 मिनट्स ओनली। चला, अज्ञार्थी वाक्याचं विधानार्थी बनवायचे आहे। अज्ञार्थी वाक्य का विधानार्थी बनाना है अपने को, अज्ञार्थी वाक्य का क्या बनाना है? विधानार्थी वाक्य बनाना है, बात हम लोग अभी वही पे आने वाले हैं, अज्ञार्थी वाक्य का विधानार्थी बनाना है। अज्ञाती वाक्याचं करू मैं एक्सप्लेन प्लीज SMS टाइप। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूं, बघा आपल्याला आज्ञार्थी वाक्य दिले, नीट लक्षात घ्या, आपल्याला आज्ञार्थी वाक्य दिले आणि त्याचा आपल्याला विधानार्थी बनवायला सांगितलं, आपल्याला वाक्य रूप दिले, आज्ञार्थी वाक्य दिले आणि त्याचा आपल्याला बनवायचं काय आहे? विधानार्थी कसं बनवायचं? ओके, असे मला वाटते, अशी माझी इच्छा आहे। डायनामो प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, डायनामो डायनामो स्टॉर्म स्टॉर्म स्टॉर्म, अशी माझी इच्छा आहे, अशी माझी अपेक्षा आहे। अभी मैं बताता हूँ, देखो नॉर्मली अपना सेंटेंस क्या है, देखो सेंटेंस है ये, तिला पुस्तक देऊन टाका, ये सेंटेंस है अपना, तिला पुस्तक देऊन टाका। अभी ये आज्ञार्थी वाक्य, अभी इसका हमें बनाना है, अपने को इसका बनाना है विधानार्थी। इसका ओरिजिनल आंसर कैसे है पता है? तिला पुस्तक देऊन टाकावे, ऐसा ओरिजिनल आंसर है। लेकिन अपना प्रॉब्लम क्या हो जाता है, अपने को क्या कहाँ पे लिखना है, मुझे टाकावे कब लिखने हम, जब टाका रहेगा तो टाकावे, द्या द्यावे, घे ग्यावे, पी प्यावे, करा करावे, ऐसा आता है दोस्तों। लेकिन अपने को वो समझ में नहीं आता, अपने को वो समझ में नहीं आता, तो इसके लिए एक छोटा सा रूल है मस्त, क्या करने का, तिला पुस्तक देऊन टाका, ये सेंटेंस जैसा है वैसा लिखने का,
फुल स्टॉप जो है वो फुल स्टॉप के बाद फुल स्टॉप को निकल के कॉमा देने का, और असे मला वाटते, अशी माझी इच्छा है, अशी माझी अपेक्षा है, ये तीनों में से कोई भी एक सेंटेंस उसके आगे लिख देने का। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा, तिला पुस्तक देऊन टाका, कॉमा असे मला वाटते, अशी माझी अपेक्षा है, अशी माझी इच्छा है। ये समझा असल में इसका आंसर कैसा आएगा, तिला पुस्तक देऊन टाकावे, लेकिन अपने को नहीं जमा टाकावे लिखने आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके जाऊँ आगे। अरे काय टाकावा कसरे राजा, अभी हम लोग देख रहे गावड़े गावन गावन, अरे विधान आज्ञाति का विधानार्थी बना रहे, अभी प्रश्नार्थी से बाहर आ गए हम लोग, प्रश्नार्थी से बाहर आ गए, चेंज हो गया टाइप। चलो नेक्स्ट, अब और एक देता हूं, तू विजयी होऊन ये ताकावे यानी फेंक देना, उसको दे दो, ताकावे ने दे देना ऐसा है। क्रिश गावन काय रे काय ताकावे, अरे ताकावे नहीं रे राजा, तिला पुस्तक देऊन टाका, तिला पुस्तक देऊन टाका, अशी माझी इच्छा है, ऐसा लिखने का है। तू विजयी होऊन ये इसका आंसर बताओ, तू विजयी होऊन ये इसका आंसर बताओ फटाफट, तू विजय होन ये, कॉमा कॉमा देने का कॉमा नहीं दिया, पंचा स्वयं, पंचा स्वयं तू खुद दिखवाते। ओके तू विजय होशील, होशील निका, होशील कैसा आएगा, मैंने क्या बोला, चेंज नहीं करने का बोला ना, अशी माझी इच्छा है। ग्रेट, चलो थर्ड वन, कोठा सोडून, कोठा यानी शेत, चलो लिखो फटाफट, कोठा सोडून शेताचा बाहेर येईल, कोठा सोडून शेताचा बाहेर येईल कैसा आएगा, कोठा सोडून शेताचा बाहेर ये कॉमा, अशी माझी इच्छा आहे, अशी माझी अपेक्षा आहे, अशी माझी असे मला वाटते। कोई भी एक आप बिंदास लिख सकते हो। अरे नेक्स्ट, रो शेर फटका मार, इसका आंसर बताओ, रो शेर फटका मार, जाएगा। अरे कुछ भी असे मला वाटते, अशी माझी अपेक्षा है, अशी माझी इच्छा है, ये तीनों में से कोई भी एक सेंटेंस आपको लिखना है, कोई भी तीनों में से एक, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ऐसा आएगा, देखो, रोज फेर फटका मार असे मला वाटते, नेक्स्ट आता मला जीव दे, ये कैसा आएगा, आता मला जीव दे, आता मला जेऊ दे कॉमा असे मला वाटते, अशी माझी इच्छा आहे, अशी माझी अपेक्षा आहे। अभी लक्षात घ्या, आता आहे तुम्हाला विधानार्थी वाक्य दिले जाणार किंवा प्रश्नार्थी वाक्य दिले जाणार, और आपको बोला जाएगा, आपको विधानार्थी या प्रश्नार्थी वाक्य दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसको आज्ञार्थी वाक्य में ट्रांसलेट कीजिए, ट्रांसफर कीजिए, जो भी है वो। लक्षात घ्या हा जो टाइप आहे विधानार्थी वाक्याचा प्रश्नार्थी करा, सॉरी सॉरी, विधानार्थी किंवा प्रश्नार्थी वाक्याचा आज्ञार्थी करा, हा जो टाइप आहे यामध्ये कुठेही काहीही नियम नाहीये, कॉमन नियम आहे जे तुम्हाला फॉलो करायचे। फॉर एक्झाम्पल
मला मराठीची वही देता का, अब ये प्रश्नार्थी वाक्य, इसका कोई रूल नहीं है, ऑर्डर देना है तो कैसा, मुझे मराठी की बुक देते हो क्या, इसका कैसा आएगा, मुझे मराठी की बुक दो, तस मला मराठीची वही देता का, मला मराठीची वही द्या, मला मराठीची वही द्या, मला मराठीची वही द्या, ये ऐसा आएगा परफेक्ट, ये ऐसा आ सकता मेरा, मला मराठीची वही द्या। नेक्स्ट, आता घराला नवीन रंग द्यावा, अभी आता घराला नवीन रंग द्यावा, अभी ये विधानार्थी वाक्य है, इसको आज्ञार्थी बनाना है, कैसा बनाओगे आज्ञार्थी, प्लीज 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 एसएमएस में फटाफट टाइप करो, मुझे एसएमएस नहीं आ रहे, दिखाई नहीं दे रहे, फटाफट, आता घराला नवीन रंग द्या, आता घराला नवीन रंग द्या। थर्ड वर्ड, अभी यहाँ पे एक रूल है, आप पहले इसका आंसर लिखो, फिर मैं आपको वो रूल जो है ना वो रूल बताता हूँ, मुलानी चांगला अभ्यास केला, चलो 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 लिखो और मुझे बताओ, मुलानी चांगला अभ्यास केला। अभी यहाँ पे आंसर कैसा आएगा देखो दोस्तों, मुलानी का मुलानो हो जाएगा, मुलानो ऑर्डर देना है ना, अभी मुलानो चांगला अभ्यास करा, कैसा आएगा, मुलानो चांगला अभ्यास करा, लेकिन यहाँ पे याद रखना है मुलानो के बाद आपको कॉमा देना है, कॉमा मुलानो के बाद, सर क्यों कॉमा देने का, इसका कारण विभक्ति जब आप पढ़ोगे तो आपके एक संबोधन करके लास्ट विभक्ति है संबोधन, ओके संबोधन करके एक लास्ट विभक्ति है संबोधन, यानी आवाज दे, जब हम लोग किसी को भी बुलाते हैं तो उसके आगे हमें कॉमा देना है, उस शब्द के आगे हमें कॉमा देना है, किसी को भी जब हम लोग बुलाते हैं तो याद से मुलानो के बाद कॉमा देना है, मुलानो चांगला अभ्यास करा, हाथ मारने संबोधन में हाथ मारने, जब अपन हाथ मारते हैं, ओके द नेक्स्ट वर्ड, की कुर्सी इथे अनशील का, प्लीज टाइप, प्लीज सॉल्व दिस एग्जांपल, की कुर्सी इथे अनशील का, कैसा मीनिंग चेंज होते रहे, कुछ ना जय केळुस्कर, कुठला मीनिंग चेंज होतो आहे मुलांनो ऑर्डर, अरे मी काय म्हटलं, चेंज ते रूल नाही फॉलो होत राजा, बघ मुलांनी चांगला अभ्यास करा, मुलांनो चांगला अभ्यास करा, चेंज इथे मी तुम्हाला ते सांगितलं, इथे रूल नाही, इथे मीनिंग चेंज नाही होणार आहे, सेम राहतो, तसा रूलच आहे तो, ती खुर्ची इथे आणशील का, ती खुर्ची इथे आण, परफेक्ट, ती खुर्ची इथे आण। नेक्स्ट वन, तुम्ही ऐकलात का, चलो ये बताओ तुम्ही ऐकलात का, चलो ये बताओ तो मालूम मैं आपको, चलो तुम्ही कधी ऐका, नहीं तुम्ही कधी तरी ऐका, ओके तुम्ही ऐका कधी, और तुम्ही एक आवाज नाही आना, आवाज नाही, अरे अरे अभी तुम लोग लिख रहे तो मैं पढ़ रहा हूं ना दोस्तों, तुम्ही एकदा तरी ऐका, ओके अभी 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 ऐसा है, तुम्हें कभी तरी ऐका, तुम्हें ऐकले का कभी, मतलब आपने सुना है, तू सुन, तू कभी तो सुन, ऐसा है, तुम्हें कभी तरी ऐका, ऐका
कधीतरी ऐका, ऐकाच कंपल्सरी, तुम्ही कधीतरी ऐकाच च च कंपल्सरी. ओके ईशान शेट्टी, मैसेज तो अभी क्या आ रहा है मुझे, अरे इतने मैसेज आ रहे हैं ना फटाफट, सब ऊपर लिखे लिखे जा रहे हैं तो मुझे भी समझ नहीं पा. अच्छा चलो ये बताओ, ये बताओ, सभ्यतेच भान कधीही विसरू नये. चलो फटाफट, सभ्यतेच भान कधीही विसरू नये. तुम्ही ऐकाच हे कधी, ना ना तुम्ही ऐकाच हे कधी, सावध नाही सावध राहुल, काय रे बाबा मी दिले तसं उत्तर लिही. सभ्यतेच भान कधीही विसरू नये. परफेक्ट, सभ्यतेच भान कधीही विसरू नका, सभ्यतेच भान कधीही विसरू नका. ओके सर, देवी दयाल रिद्धीला व्हिडिओ ऑफ करायला सांगा प्लीज. रिद्धी व्हिडिओ ऑफ कर, काय रे बाबा कंटारा आ रहा है, कंटारा येतोय तो झोप रे. अश्विन शाह परम टिंबूर, नहीं लिखो मत, आपको आया ना ये समझा, सभ्यतेच भान कधी विसरू नका. परफेक्ट लिखा. ओके यहाँ पे अपने जो टॉपिक है वो खत्म हो गए है, अपने ये टॉपिक खत्म हुआ. अभी देखिए सुनिए नेक्स्ट लेक्चर में. अच्छा मुझे बताओ समास और अलंकार कितने लोगों को है, समास और अलंकार, समास है अलंकार, समास और अलंकार, मरको मेरे को मेरे को मेरे को मेरे को. ओके तो अभी ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समास पढ़ते हैं. सर डी जी ये क्या है, डी सी जी एच जे बी महालक्ष्मी यादव डिवाइन चाइल्ड. ओके देखिए 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 मैं वही बोल रहा हूँ, हम लोग अभी ना नाइन्थ में ना अलंकार भी होता है विभक्ति भी होता है. अभी विभक्ति और मैंने कहा ना सामान्य रूप, नाउ ये आउटडेटेड टॉपिक हो गए है, लेकिन फिर भी पता नहीं आपको है तो मैं पढ़ाऊंगा समास और अलंकार नेक्स्ट लेक्चर में, दोनों में से कोई भी हम लोग एक पढ़ा विभक्ति पढ़ाऊंगा. डीएन नगर से अमान मेहता वाड़िया स्कूल में भी आपको विभक्ति भी पढ़ाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है. लेकिन ये टॉपिक जो आज का मैंने पढ़ाया ये समझ में आया क्या है, नहीं करता है कंटाला आता है. ओके आता हे समज, याच्यामध्ये ना याच्यामध्ये फक्त जी विधानार्थीचा प्रश्नार्थी करा किंवा प्रश्नार्थीचा विधानार्थी करा जे आहे ना हा थोडासा डिफिकल्ट आहे लक्षात घ्या. आणि मी जे तुम्हाला रूल्स दिले ते रूल्स जर तुम्ही वापरले व्यवस्थित प्रमाणे तर ते, मैं स्क्रीन नहीं शेयर कर रहा हूँ अभी, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ. तो ये रूल्स, मराठी में कंटाला आता है अश्विन, अभी क्या करे कंटाला आता है तो अभी कैसा है ना, नहीं पढ़ेगा मार्क्स नहीं मिलेगा तो चलेगा क्या, अभी कंटाला तुझे आता है तो तुझे सुधारना पड़ेगा दोस्त. मैं पढ़ाता हूँ उसमें कोई तकलीफ है क्या अश्विन, मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ है क्या, मैं पढ़ाता हूँ इसलिए कंटाला आता है, ऐसा कुछ है. ओके फ्रॉम पोएम एप्रिसिएशन, आपको नोट्स में सब मिलेगा, वो पोएम का एप्रिसिएशन जो है ना, विराम चिन्ह, अरे रिया थोड़ा अगर फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क अगदी सोप्पा आहे तरी पण घेईन मी पाहिजे तर. ओके काही काळजी नका करू, नेक्स्ट टाइमला मी समास घेईन किंवा विभक्ती घेईन. ओके रिया कुठल्या एक्झाम, अच्छा ठीक आहे अभी एक तो ठीक है मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है नो इश्यूज. ए मीत परमार धमकी दे रहा है कि अगर महाराष्ट्र में रहते हो तो पढ़ना देखा, ऐसा नहीं है दोस्त, पढ़ ले अच्छा है, एक नया लैंग्वेज सीख जाएगा तू, अच्छे मार्क्स मिलेंगे. ओके काही प्रॉब्लम नहीं है, सीखूंगे. तुला जर काही प्रॉब्लम झाला अश्विन तो टेंशन मत ले, मैं है तेरे साथ, तुझे अच्छा लगे या बुरा लगे तेरे तू जरूर तुझको अच्छे मार्क्स दे दूंगा. ओके तो उसका टेंशन मत ले, मैं तुझको कंटाला आता मत कर, पढ़ा पास तो हो जाए, सिर्फ नाइन तो निकल, टेन में अच्छे मार्क्स दूंगा तू, मतलब जादू है रे, टेंशन मत ले तू.
ठीक आहे, थँक्यू ऑल ऑफ यू, थँक्यू गणपती बाप्पा, मोरया मंगलमूर्ती, मोरया उंदीर मामा की जय, गॉड ब्लेस यू, एंजॉय, कोई होमवर्क नहीं है और 2 दिन मजा करो गणपति बप्पा के साथ, खेलो कूदो, ओके उसको सिर्फ बोलना कोरोना लेके जा, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू ध्रुव सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सर।